नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपके टैरिट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम यहाँ न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे, जो मंगल का चेंज हो रहा है, मंगल गोचर कर रहा है 11 नंबर एक्वेरियस कुंभ में, तो उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। मंगल गोचर कर रहा है एक्वेरियस कुंभ में, 15 मार्च को चेंज हो रहा है और 23 अप्रैल तक चलेगा, 40 दिन का चेंज है ये। और आज क्या है, आज कौन सी डेट है? 11th ऑफ मार्च मंडे है, और ये 13th ऑफ मार्च वेडनेसडे को अपलोड होगी, 2 दिन बाद। अगर किसी के कोई क्वेश्चन रहे तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये इंडिया के कुंडली है, आज तक के प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, और हमेषा की तरह हम बनाएंगे पार्ट वन, एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक, बाकी के 6 लग्न हम कल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, ये पॉइंट्स पढ़ देती हूँ मैं। फ्रॉम कुंभ, मंगल एस्पेक्ट, ये कुंभ से मंगल देखेगा, मंगल यहाँ पे है जो चेंज हुआ है। फोर्थ एस्पेक्ट से देखेगा वृषभ को, 1 2 3 4, फोर्थ एस्पेक्ट से देखेगा 2 नंबर वृषभ को। सेवेंथ एस्पेक्ट से देखेगा ये सिंह को, अपने सामने बिल्कुल सिंह को देखेगा, 4 नंबर इंडिया के फोर्थ हाउस को। और एट एस्पेक्ट से देखेगा 6 नंबर कन्या को, 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल अपने 8th एस्पेक्ट से देखेगा वर्गो को, 6 को। टिल 31st मार्च तक त्रिगेही योगिन कुंभ, 31st मार्च तक ये तीनों प्लैनेट्स 11 नंबर कुंभ में रहेंगे, इंडिया के 10th हाउस में। मंगल 11th फ्रॉम एरीज, मंगल जो है 11th है एरीज से, एंड फोर्थ है स्कॉर्पियो से। दोस्तों ये अब हो गया मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट चेंज। दोस्तों अभी सूर्य के आपने हमारी वीडियो देख ली, तथा आपने हमारी बाकी भी वीडियो देखी होंगी। दोस्तों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज, दोस्तों करीब 40 से 45 दिन का चेंज रहता है दोस्तों मंगल का। दोस्तों आपको मालूम है कि मंगल जो होगा दोस्तों वो भूमि पुत्र कहा गया, भौम्य कहा जाता है दोस्तों उसको, भौम्य होता है भूमि पुत्र, भूमि मतलब जमीन का बेटा। तो यानी कि मंगल से जो दोस्तों रिलेटेड होते हैं, जिनके मंगल की दशा चल रही हो, मंगल जिनका स्ट्रॉन्ग हो कुंडली में, राशि का लॉर्ड हो, लगन का लॉर्ड हो, दोस्तों भूमि से रिलेटेड काम में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। तो भूमि से रिलेटेड काम मतलब खेती बाड़ी हो गया, गार्डनिंग हो गया, या दोस्तों रियल एस्टेट हो गया, बिल्डिंग बनाना हो गया, रियल एस्टेट से जुड़े दोस्तों कोई भी काम, तो मंगल को कहीं ना कहीं फिटनेस के साथ जोड़ा जाता है, बिकॉज सैनिक कहा जाता है मंगल को। तो सैनिक की तरह मंगल को फिट रहना चाहिए, आर्मी में होते हैं दोस्तों लोग, जो नेवी में होते हैं, प्लेयर होते हैं दोस्तों जो, और दोस्तों मंगल को आग भी कहा जाता है, बिकॉज गर्म प्लैनेट है। तो आग से जो रिलेटेड दोस्तों काम होते हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, हॉस्पिटैलिटी, फाइन डाइन, टेक अवे दोस्तों, सिलाई के काम, बेकरी का काम दोस्तों, तंदूर वाले काम, भट्टी वाले काम, तो मंगल के साथ चल के चलते हैं। उससे बिजली से जो काम रिलेटेड होते हैं, वो तो मंगल को बिजली भी कहा जाता है, बिकॉज आग की तरफ बिजली भी दोस्तों गर्म होते, करंट मारती है। वो तो बिजली, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो दोस्तों काम हो गए, टीवी का शोरूम हो गया दोस्तों, फ्रिज का शोरूम हो गया, आपके एसी का शोरूम हो गया, ये सारे काम दोस्तों मंगल के साथ। तो जो बड़े बड़े इंजीनियर होंगे दोस्तों, सिविल इंजीनियर होंगे, इस तरह के जो लोग होंगे जो इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनका भी दोस्तों मंगल स्ट्रांग होना मस्ट है। और दोस्तों आखिर में मंगल को मेडिकल के साथ भी जोड़ा गया, तो बड़े बड़े सर्जन दोस्तों जो होंगे उनका भी मंगल स्ट्रांग होना मस्त है, वरना मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते। या आपकी अगर केमिस्ट की भी अगर आपने शॉप खोली हो, या आपने दोस्तों फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कोई बिजनेस करना हो, तो भी आपका मंगल स्ट्रांग होना मस्त है। और आखिर में दोस्तों मंगल पॉलिटिक्स के साथ में चल के चलते हैं, तो जितना ज्यादा स्ट्रांग दोस्तों मंगल होगा, तो उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग कुंडली होगी पॉलिटिक्स के लिए। अब चाहे दोस्तों मोदी जी की बात कर लो, शरद पवार साहब की बात कर लो, उससे पहले इंदिरा गांधी जी की बात कर लो, राजीव गांधी जी की बात कर लो, उन सबका दोस्तों मंगल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मोदी जी का बहुत स्ट्रांग है, शरद पवार साहब को दोस्तों मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पॉलिटिक्स में दोस्तों काफी नाम कमाए लोग। दोस्तों अब इस मंगल का जब चेंज होगा, तो अभी तक क्या था कि मंगल यहाँ पे था एग्जॉल्टेड करीब 1.5 महीने से कैप्रिकॉर्न में, तो अब मंगल मूव करके आ जाएगा आपका कुंभ राशि के अंदर। तो दोस्तों वो भी शनि की ही राशि है, बट ये दोस्तों एग्जॉल्टेड साइन नहीं है, शनि की दूसरी राशि है दोस्तों। यहाँ भी मंगल ठीक ठाक वेल प्लेस काम करेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात के एक फायदा हमें यहाँ मिल जाता है कि जब तक दोस्तों मंगल कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्टेड था, उसका एस्पेक्ट जा रहा था इस पे कैंसर के ऊपर, नीच की राशि के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। एटलीस्ट दोस्तों उसका जो एस्पेक्ट होगा अपनी नीच की राशि से हट जाएगा, बाकी राशि में जाएगा तो फायदा ही मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नोटिस करें कुंभ से दोस्तों मंगल के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 4, 7 और 8। दोस्तों 4th से जाएगा वृषभ, यानी कि वृषभ लगन या वृषभ राशि के ऊपर दोस्तों, तो फिर जाएगा हमारा सिंह लगन या सिंह राशि, जो कि बहुत फ्रेंडली साइन है। दोस्तों फिर जाएगा कन्या राशि या कन्या लगन, जो कि दोस्तों बुध की राशि, यानी कि शुक्र की राशि, सूर्य की राशि और बुध की राशि, तो तीनों पे इसका अलग अलग इंपैक्ट होगा, हम लोग बात करके देखेंगे। दोस्तों 31 मार्च तक, 31 मार्च तक दोस्तों, आज हो गया 13 मार्च, यानी कि 18 दिन और दोस्तों, शुक्र भी यहाँ पे है कुंभ राशि के अंदर। तो फिर शुक्र मूव करके आ जाएगा अपनी उच्च की राशि में, तो उसका रिजल्ट अलग हो जाएगा दोस्तों, काफी अच्छा चेंज होगा। तो तब तक दोस्तों 3 ग्रह यहाँ पे रहने वाले कुंभ राशि के अंदर,
यानी कि कुंभ लगन या कुंभ राशि के अंदर, बेसिकली कुंभ लगन के अंदर जब दोस्तों 3 दिन ग्रहों का योग होगा तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा, बिकॉज दोस्तों शनि सेल्फ का लॉर्ड हो गया। दोस्तों शुक्र यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कारक ग्रह बनते हैं 9th और 4th का लॉर्ड, दोस्तों मंगल बनते हैं यहाँ पे करियर का लॉर्ड और सेल्फ का लॉर्ड, यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए त्रिग्रही योग जो है ये काफी ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, काफी ज्यादा दोस्तों काम बना के चलेगा उनको यहाँ, दोस्तों प्रोफेशनली काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो इनके लिए दोस्तों काफी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों कोई भी ग्रह जब अपने दोनों राशियों से अच्छे स्थान पे प्लेस्ड होगा तो उसके पॉजिटिविटी बढ़ती है, और कोई भी ग्रह दोस्तों अपने अपनी राशियों से बुरे ग्रहों पे या बुरे स्थान पे प्लेस्ड होगा तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ती है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों मंगल अपने एरिस से दोस्तों आ गया, कहाँ गया, हाँ 11th, दोस्तों एरिस से दोस्तों 11th आ गया यार एरिस, और दोस्तों एरिस से 11th आने पर यानी कि इनकम में दोस्तों बढ़ोतरी होगी तो अच्छा होगा दोस्तों। और दोस्तों इसका दूसरा साइन है स्कॉर्पियो, जिसे 4th हाउस में, स्कॉर्पियो से 4th और एरिस से 11th, तो अपने दोनों राशियों दोस्तों ये पैसे वाले घर में आया है, एसेट्स वाले घर के अंदर आएगा, यानी कि जो मंगल की जो पॉजिटिविटी है दोस्तों और ज्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों जिस घर में जिस राशि में मंगल गया दोस्तों वहां पे उस घर का ओनर जो है, घर का मालिक जो है, घर का स्वामित्व तो जिसके पास है दोस्तों वह शनि, तो शनिदेव दोस्तों यहीं पर विराजमान है, यानी कि होस्ट अपने ही घर में विराजमान है गेस्ट को वेलकम करने के लिए, यानी कि दोस्तों शनि मंगल हालांकि आपस में मित्र नहीं है बट क्योंकि दोस्तों शनि अपने ही साइन के अंदर है और दोस्तों मंगल को कहीं ना कहीं होस्ट करके चल रहा है, तो इससे जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, किसी और राशि में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो शायद नेगेटिविटी बढ़ जाती, बट दोस्तों क्योंकि शनिदेव के घर में मंगल यानी हनुमान जी का आगमन हुआ तो इतनी नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, तो इसका असर होगा दोस्तों हम लगन बाय लगन डिस्कस करके चलते हैं। तो ये कुल मिला के काफी अच्छा चीज, तो ओवरऑल अगर हम बात करके अगर हम हिंदुस्तान की बात कर देखें तो मंगल का क्योंकि 4th घर में इसका हो जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा जनता वाले घर के अंदर, पॉजिटिव घर के अंदर, तो जनता में भी दोस्तों खुशियां रहेंगी और कहीं ना कहीं दोस्तों मंगल माने के मांगलिक कार्य, दोस्तों यहाँ से मांगलिक कार्य की बात करें, बिजनेस की बात करें, प्रॉपर्टी बिजनेस की बात करें तो सब थोड़ी सी यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, अब तक स्टैग्नेटेड थी, तो प्रॉपर्टी डीलर्स को यहाँ पे दोस्तों काफी बेनिफिट मिला है ओवरऑल, तो कुल मिला के अच्छा चेंज दोस्तों। बस यहाँ से दोस्तों गर्मी बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज दोस्तों ऑलरेडी सूर्य भी ग्रहण के अंदर, सूर्य भी दोस्तों ग्रहण में आ चुका है और दोस्तों मंगल का भी जनता वाले घर पे जाने से गर्मी बढ़ेगी यहाँ से काफी। चलिए ये पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए, तो इंडिया की कुंडली भी डिस्कस कर ली है। तो अब मंगल क्योंकि दोस्तों शनि के साथ है, तो मंगल हो गया आपका दक्षिण साउथ, तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कह लें या सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कह लें दोस्तों, वहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है, वहां पे जो शनि साथ में कोल्ड तो मंगल गर्म, तो नेचुरल कैलेमिटी दोस्तों दक्षिण में अगर हम आप नीचे की तरफ देखें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, तो वहां पे थोड़ा सा चांसेस बनते हैं नेचुरल कैलेमिटी के, और दोस्तों क्योंकि सूर्य ग्रहण भी चल रहा है यहाँ पे तो थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ भी जाती है, तो वो थोड़ा हमें बस भगवान न करे कुछ ऐसा हो आगे जाते। चलिए ये पॉइंट्स भी हमने सारे डिस्कस कर लिए, इंडिया की कुंडली भी डिस्कस कर लिया, तो हम सीधा लग्न पे आते हैं। फर्स्ट नंबर एरीज मेष लगन, मंगल की ही राशि है, तो इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे इनके लिए बेटर होना स्टार्ट होगा यहाँ पे दोस्तों, काफी बेटर हो जाएगा यहाँ से, इनफैक्ट दोस्तों यहाँ से जो इनका प्रोमिनेंस है, जो इनका इनकम वाला जो पार्ट है दोस्तों वो यहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, तो लाइव लाइट में दोस्तों यहाँ पे आगे इनकम और गेन्स वाला पार्ट, बिकॉज मंगल दोस्तों यहाँ पे इनके राशि से 11th हाउस बाकी इनकम, यानी कि सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों जब भी इनकम हाउस में आएगा गेन्स हाउस में आएगा, और गेन्स का लॉर्ड भी वहां पे होगा, और उसके साथ में वेल्थ का लॉर्ड, शुक्र वो भी वेल्थ का लॉर्ड, यानी कि उसे यहाँ से पैसा पैसा कमाएगा, यानी कि आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके उसे वो इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ से पैसा पैसा बढ़ाएगा, और आपके जो इनकम वाला पार्ट है, आपका जो गेन्स वाला जो पार्ट है, आपका जो प्रॉफिट वाला जो पार्ट है, वो यहाँ से बड़ी तेजी के साथ एक्टिवेट होगा, वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला अपने को, दोस्तों कुल मिला के बहुत बड़ा अच्छा चेंज, बहुत बेटरमेंट वाला चेंज। बस दोस्तों हमें एक बात का ध्यान में रखना, बिकॉज ये शुक्र शनि मंगल इन तीनों का इम्पैक्ट आपके 5th हाउस पे है दोस्तों, यानी कि पेट वाले घर पे, और पेट का लॉर्ड दोस्तों सूर्य ऑलरेडी सूर्य ग्रहण में राहु के साथ आ गया, यानी कि पेट के अंदर समस्या की बात करें दोस्तों वो यहाँ पे थोड़ी सी हो सकती है, पेट में गर्मी यहाँ पे बढ़ सकती है, वो हमने सूर्य की वीडियो में भी बात की थी कि यहाँ पे पेट हमें बहुत ध्यान में देखे चलना है, प्रेग्नेंट लेडीज को अपना बहुत ध्यान में देखे चलना है, वो थोड़ा ध्यान में देखे चले, बट अदरवाइज दोस्तों पैसे की बात करें, वेल्थ की बात करें, इनकम की बात करें, शुक्र शनि और मंगल का दोस्तों आपके 11th हाउस में आना, ये बहुत अच्छी खबर देके जा रहा है कि यहाँ पे पैसा बढ़ेगा हमारा, इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, तो टू गुड चेंज, इसका बेनिफिट ले, बिजनेस को बढ़ाएं दोस्तों, समझदार का बिजनेस बढ़ाएंगे अपने को यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए एरीज मेष लगन का होगा, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को अपना ध्यान रखना है, बस गर्मी ना बढ़े उनकी, बिल्कुल। तो चलिए सेकंड नंबर टॉरस वृषभ, शुक्र की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, और अगर आप चाहें तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर है।
और वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी लग्नों का जानने के लिए। दोस्तों टॉरस वृषभ की बात करके देखें, इनके दोस्तों दो पार्ट में बात करूंगा। देखिए तो कुंभ जहाँ पे मंगल का गोचर हुआ कुंभ के अंदर, तो वहाँ पे आपका सेल्फ का लॉर्ड ऑलरेडी है, यानी कि सेल्फ भी वहाँ पे आ गया, तो शनि ऑलरेडी वहाँ पे है, ये टेंथ का लॉर्ड करियर का लॉर्ड, और उसमें मंगल है बनता आपके सेवंथ पार्टनरशिप का मैरिज का, यानी कि मैरिज का लॉर्ड और सेल्फ का लॉर्ड दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जब मिलेंगे तो शादी की संभावना बढ़ जाती है। नंबर वन दोस्तों पार्टनरशिप का लॉर्ड और सेल्फ का लॉर्ड, जब भी आपस में दोनों मिलेंगे तो बिजनेस में पार्टनरशिप के बाद स्टार्टअप की बात बढ़ जाएगी। कोई फाइनेंसर चाहिए था आपको, फाइनेंसर मिल जाएगा आपको, कोई प्रमोटर चाहिए था आपको बिजनेस के लिए, तो प्रमोटर मिल जाएगा आपको, तो ये बेनिफिट होगा। तो सेल्फ का लॉर्ड और यहाँ पे ट्वेल्थ का लॉर्ड, दोस्तों ट्वेल्थ भी है, यानी दोस्तों इनका कॉम्बिनेशन ट्वेल्थ दोस्तों ओवरसीज, सेल्फ माने आप खुद, और ये दोस्तों का प्रोफेशन, यानी कि सेल्फ का प्रोफेशनली बाहर जाने का मौका मिलता है, मीन ट्रैवलिंग यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है दोस्तों। ये थे पॉजिटिव चीजें, यानी करियर दोस्तों यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ, लेकिन दोस्तों एक नेगेटिविटी भी है कि सेल्फ के लॉर्ड को दोस्तों यहाँ पे शनि जो कि नेगेटिव होता है दोस्तों, पैसे के लिए पॉजिटिव, हेल्थ के लिए नेगेटिव हुआ, उसकी सपोर्ट आ गई, साथ में मंगल जो कि ट्वेल्थ का एक्सपेंसिस का लॉर्ड होगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान में देके चलना है दोस्तों, ठंडा गर्म होने की वजह से, और फोर्थ हाउस पे इसका इम्पैक्ट करते हैं चेस्ट कंजेशन दोस्तों, लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको फीवर टाइफॉइड की आपको दिक्कत आ सकती है, तो अपने बुखार से बुखार ना हो, ठंड गर्मी की वजह से दोस्तों आपके गला ना चोक हो, आपके लंग में शुद्ध ना लंग ना आपके चोक हो जाए, तो वो सभी लोग जो स्मोकिंग के अंदर ज्यादा है, वो सभी लोग जो पॉल्यूशन वाले एरिया में ज्यादा काम करते हैं, वो सभी लोग जो दोस्तों केमिकल की फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसी शॉप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे केमिकल हो जाए, परफ्यूम ज्यादा हो, इस तरह की चीजें, अल्कोहल वाला मतलब कोई प्रोफेशन, उनको थोड़ा अपनी संभाव उनको अपना थोड़ा ध्यान में देखे चलना है, बिकॉज लंग्स कंजेशन की खांसी जुकाम की टाइफॉइड की बुखार के दोस्तों इश्यूज बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनली कोई टेंशन नजर नहीं आती, इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे शादी की संभावना बढ़ती है, यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस की संभावना बढ़ती है, तो ओवरसीज ट्रेवलिंग की संभावना बढ़ती है, तो उन मायनों में दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा, बस बुखार से चेस्ट कंजेशन से लंग्स के अपने इन्फेक्शन से बच के चले। चलिए टॉरस वृषभ का भी हो गया, टॉरस वालों को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, मतलब कोल्ड कफ होने के चांसेस है, जैसे कि वेदर भी चेंज हो रहा है, तो समर कोल्ड का ध्यान रखिए, गर्म सर का, गर्म के ऊपर एकदम ठंडा मत लीजिए, और चेस्ट कंजेशन होने के चांसेस है बिल्कुल। चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर, जेमिनाई मिथुन बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट और मैसेज करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए सभी लग्नों का। दोस्तों इनके लिए हम दो पार्ट में बात करेंगे दोस्तों, जेमिनी के अंदर मंगल घातक नाइट बन जाता है, उनके लिए दोस्तों घातक होगा जिनकी मिथुन लग्न के अंदर मंगल नेगेटिवली प्लेस होगा, सेल्फ के लॉर्ड के साथ होगा, नीच का होगा, राहु के साथ होगा, शनि, उनके दोस्तों घातक होता है वो, अगर अपनी ही राशि में प्लेस जाए तो दोस्तों अच्छी बात है, विपरीत राजयोग देखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या कि इसका जो लर्निंग होगी कुंभ राशि के अंदर, जो कि अगर आप नोटिस करेंगे मिथुन के अंदर तो कुंभ राशि बनते हैं नाइन्थ भाग्य स्थान, अब तक था एट्थ हाउस के अंदर, एग्जॉल्टेड था एट्थ हाउस में था, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं था। अब दोस्तों आ गया भाग्य स्थान के अंदर, यानी कि इनकम गेन प्रॉफिट विश फुलफिलमेंट डिजायर का लॉर्ड दोस्तों, ये इसका दोस्तों आपके इलेवेंथ का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में से जब भी बनता है इसको धनयोग कहा जाएगा, आपका भाग्य और आपकी इनकम, आपका भाग्य और आपके प्रॉफिट, आपका भाग्य और आपके विश फुलफिलमेंट, आपका भाग्य और आपके डिजायर दोस्तों, जब भी आपस में कनेक्ट होंगे तो आपके भाग्य को चार चांद लगते हैं उसको दोस्तों, भाग्य की वजह से दोस्तों आपकी इनकम बढ़ती है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, आपके गेन्स बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मंगल जो है सिक्स का भी लॉर्ड है, और अपने से फोर्थ हाउस आने पे आपके ये जो होता है डेट्स का दोस्तों, बीमारी कम करता है, डेट्स कम करेगा दोस्तों, कर्जे कम करेगा, दुश्मनों कम करेगा, बिकॉज आपकी किस्मत आपका साथ देगी, एक आपको कुशन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सिक्स हाउस और इलेवंथ हाउस दोस्तों हेल्थ या चोट को भी डिनोट करते हैं, तो उसका दोस्तों नाइन्थ हाउस में आना दोस्तों पिता के लिए दोस्तों थोड़ा सा घातक हो सकता है, उनको चोट मिल सकती है, और आपकी खुद की लोअर बैक या आपकी थाइज यहाँ पे दोस्तों चोक निकल सकती है, चोट लग सकती है, तो ध्यान पे जिनको ऑलरेडी थाइज में इशूज है, हिप्स में अंदर इशूज है, या एनस के आसपास दोस्तों दिक्कत है, उनको लोअर बैक की दिक्कत है, बैकबोन की दिक्कत है, उनको थोड़ा बचाव करके चलना है। तो जिम के अंदर भी जाए तो थोड़ा सा लाइट वेट करें, या ट्रेडमिल पर करें तो ज्यादा स्लो मतलब ज्यादा तेजी के साथ काम ना करें, वरना ये पर्टिकुलर चेंज आपकी लोअर बॉडी पे इम्पैक्ट डाल के जा सकता है। बट फॉर इनकम यहाँ पे दोस्तों चीजें बहुत तेजी के साथ मूव करेंगी दोस्तों। शुक्र यहाँ पे है जो कि आपके बॉडी में त्रिकोण का ही लॉर्ड है, भाग्य को और ज्यादा फायदा मिल गया, तो शनि भाग्य का ही लॉर्ड है अपने ही साइन के अंदर, तो भाग्य को और ज्यादा पंख लग गए, यानी कि किस्मत की बात करें दोस्तों बल्ले बल्ले, पैसे की बात करें, बिजनेस की बात करें कोई टेंशन नहीं, फिजिकल इंजरी की बात करें वो थोड़ा दोस्तों प्रोमिनेंट हो जाती है, जिसमें कि लोअर बैक और आपकी थाई से आ जाते हैं। तो खासकर वो सभी लेडीज या वो सभी मेन या लड़के जो जिम में ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं दोस्तों, उनके लिए थोड़ा ध्यान में, और जिनको पाइल्स के इश्यूज है वो अपना थोड़ा ध्यान में रखें, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो उनको दिक्कत होगी। चलिए
मतलब जेमिनी वालों को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ का ध्यान आप सबके लिए बता रहे हैं, कोई ना कोई किसी बॉडी किसी पार्ट फिजिकल इंजरी का ज्यादा है। चलिए थर्ड नंबर जेमिनी का भी हो गया। माते फोर नंबर कैंसर कर्क, इनके लिए कैसा रहेगा वो चंद्रमा की राशि? दोस्तों कैंसर की बात करके देखें, दोस्तों कैंसर में मंगल बहुत सुंदर प्लैनेट दोस्तों बनकर चले जाते हैं, बहुत ही सुंदर प्लैनेट दोस्तों, फिफ्थ और टेंथ का लॉर्ड बनता है, तो अपने आप में दोस्तों इतना पैसा लेके चलता है। और दोस्तों इसकी लैंडिंग क्योंकि अपने दोनों साइनों से दोनों अपनी राशियों बहुत अच्छे स्थान पे, तो यहाँ पे दोस्तों कर्क लग्न के अंदर मंगल की पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बात दोस्तों, अब तक कर्क लगन के अंदर क्या था कि इनके सेल्फ हाउस पे जो कि नीच की राशि बनते मंगल की, वहां पे इफेक्ट आते हैं, इनको चोट का खतरा बना था, वो भी अब टल चुका है। तो अब कुल मिलाकर इनको यहाँ पे बेनिफिट, हालांकि इसकी लैंडिंग एट्थ हाउस के अंदर होगी, बट अपने साइन से अच्छे साइन में होने की वजह से, अपने साइन से अपने दोनों राशियों से अच्छे स्थान में होने की वजह से एट्थ हाउस का नेगेटिव दोस्तों कम हो जाएगी यहाँ पे। और इसका जो जो दोस्तों इम्पैक्ट जाएगा, देखिए दोस्तों इम्पैक्ट गया पहला आपका इसके ऊपर 11th, इनकम बढ़ेगी दोस्तों, आपकी गेंस बढ़ेंगे। फिर इम्पैक्ट गया दोस्तों आपका सेकंड, दोस्तों ऑब्वियसली बात इनकम बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। और जो थर्ड इम्पैक्ट इसका आ गया यहाँ पे थर्ड हाउस के अंदर, सेल्फ की पावर, ट्रेवलिंग, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मौका, सिबलिंग की हेल्प, दोस्तों की हेल्प, कॉन्फिडेंस की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, ऑरा की बात करें, पर्सनैलिटी की बात करें, दोस्तों सब में इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये वाला पर्टिकुलर चेंज पिछले मंगल के चेंज से जो कि मंगल एग्जॉल्टेड है उससे ज्यादा बेटर हो जाएगा दोस्तों। और क्योंकि एट्थ का लॉर्ड भी एट्थ हाउस के अंदर है, और जो कि दोस्तों आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग को डिनोट करके चलता है, तो वो सभी लोग स्पिरिचुअलिटी फील्ड के अंदर है, वो सभी लोग दोस्तों अकल्ट फील्ड के अंदर है, वो सभी लोग जो दोस्तों थीसिस में है या दोस्तों जो जो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जो मतलब किसी चीज पर रिसर्च करके चल रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा। जो मेडिकल फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा दोस्तों। यहाँ पे जिनको अब तक पैसों की भी दिक्कत है, उनके पैसों की दिक्कत दूर, सेविंग्स बढ़ेंगी, इनकम बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों पिछले से अच्छा चेंज ये वाला अच्छा चेंज, दोस्तों चोट वाला जो फैक्टर तो अभी यहाँ पे डाउन आ चुका है आपका, बिकॉज आपका सेल्फ वाला पार्ट अब चोट से बच चुका है। चलिए कैंसर कर का भी हो गया। हम आते हैं फाइव नंबर, फिफ्थ नंबर लियो सिंह, तो इनके लिए कैसा रहेगा सूर्य की राशि? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि कैसा रहेगा बाकी के दो लग्नों के लिए। दोस्तों लियो सिंह, इनके लिए दोस्तों छप्पर फाड़ के यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। सबसे बढ़िया चेंज दोस्तों 12 लग्नों की बात करें दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। क्योंकि रीजन क्या है कि अब तक था सूर्य ग्रहण जो कि दो दिन पहले लगा, तो सूर्य ग्रहण की वजह से आपके पास जो नेगेटिविटी आई थी दोस्तों, वो ये मंगल का चेंज उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देगा या उसको खत्म ही कर देगा इनफैक्ट। दोस्तों अब हुआ क्या कि मंगल आ गया आपके केंद्र के अंदर सेवंथ हाउस के अंदर दोस्तों, यहाँ आपसे सेवंथ वाइफ वाले घर के अंदर दोस्तों, ये चेंज काफी ज्यादा अच्छा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दोस्तों, इसका इफेक्ट भी आपके टेंथ हाउस में दोस्तों, करियर को बढ़ाएगा, सेल्फ को कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और दोस्तों वेल्थ को बढ़ाएगा, यानी कि तीन तीन जगह दोस्तों जो इम्पैक्ट जाने वाला है वो सब कुछ काम करेगा। और दोस्तों जो लोग प्रॉपर्टी वाली फील्ड के अंदर है, खेती बाड़ी के अंदर है दोस्तों, इरीगेशन में है या कोई भी दोस्तों जो आप किसान है, मतलब किसान से रिलेटेड कोई भी काम के अंदर, ट्रैक्टर काम है आपका, आपका बीज का काम, आपका फर्टिलाइजर काम, आपका केमिकल का काम है, मतलब बेसिकली दोस्तों जो खेती बाड़ी में दोस्तों जो चीजें यूज होती हैं उनमें अगर आप डील करते हैं आपका काम बढ़ेगा। आप उन अगर उन चीजों में है जो रियल एस्टेट में काम आती है, ईंटें दोस्तों, मतलब रोड़ी होती है, सीमेंट हो गया, बदरी हो गया, या दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में दोस्तों चीजें काम आती हैं उन सब फील्ड के अंदर है तो भी आपके यहाँ पे काम बढ़ेगा। सरकारी डिपार्टमेंट में है आप किसी सरकारी विभाग में, बेनिफिट पॉलिटिक्स के अंदर है तो तगड़े वाला बेनिफिट दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, जैसे मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक शॉप है आपकी या कोई शोरूम है आपका, इस तरह की चीजों में, एसी का शोरूम है आपका, फ्रिज का शोरूम है, या दोस्तों काम बेहद बढ़ेगा यहाँ पे। गर्मियां दोस्तों आ ही गई, काम तो बढ़ना ही था वैसे भी, बट उम्मीद से ज्यादा यहाँ पे काम बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, बिकॉज गर्मी अब तेजी के साथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सिंह लगन वालों के लिए चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई, हेल्थ की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें, चेहरे पे ग्लो की बात करें, मुस्कुराहट की बात करें, सब कुछ अच्छा। बस सूर्य ग्रहण होने के कारण जो हमें नेगेटिविटी थी, हमने अब लास्ट टाइम बताया था आपको सूर्य की रेमेडी जो बताई थी वो आप करते रहिएगा। तो आपने रेमेडी नहीं देखी हमारी तो पिछली वीडियो देखिए सूर्य की, उसमें रेमेडीज शेयर की थी, अगर आप रेमेडीज कर लें तो ये वाला दोस्तों बल्ले बल्ले चेंज दोस्तों। यहाँ पे शादी का योग पूरे पूरे खुल जाता है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मांगलिक कार्यों में भी आपको मदद करता है। चलिए लियो सिंह का भी हो गया। हम आते हैं सिक्स नंबर वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि, आज का आखिरी लगना, तो इनके लिए कैसा रहेगा मंगल का चेंज? दोस्तों वर्गो की बात करके देखें तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वर्गो पे इसका इफेक्ट आने से, तो वर्गो को स्पेशल इसका इफेक्ट मिलने वाला है। तो अब वर्गो में क्या होता है कि मंगल जो बनता है दोस्तों थर्ड और एट्थ का लॉर्ड बनता है, वो बहुत पॉजिटिव प्लैनेट नहीं होता, नेगेटिव प्लैनेट होता है दोस्तों, थर्ड भी नेगेटिव, एट्थ भी नेगेटिव, यानी कि उसको यहाँ पे एज को डिनोट करता है, बिकॉज एट्थ हाउस एज का ही होता है और एट्थ का ही दोस्तों थर्ड, तो एट्थ हाउस एज का
और 8th का दोस्तों बना 3rd, इसके अंदर दोस्तों ये भी एज को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसको दिखा के चलता है। तो जब दोनों दोस्तों एज वाले पार्ट मिलेंगे तो मंगल कहीं ना कहीं प्रॉपर आपकी एज को डिनोट करके चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एज की बात करें, वो कहीं ना कहीं अगर मंगल आपकी कुंडली में वीक होगा तो आपकी एज के अंदर जो क्वालिटी होती है दोस्तों वो कम हो जाती है। तो अपने कुंडली मंगल की पोजिशनिंग देखिए, मंगल स्ट्रांगली प्लेस है तो आपकी जो हेल्थ आपकी लंबी रहेगी, हेल्थ में क्वालिटी रहेगी। मंगल नीच का है, वीक है, राहु के साथ है या नेगेटिवली प्लेस है तो एज की बात नहीं, तो एज में दोस्तों क्वालिटी जो होती है वो नीचे आ जाती है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो मंगल आ गया 6th हाउस के अंदर आ गया, कुंभ लग्न 6th हाउस, तो हालांकि 8th का लॉर्ड इन 3rd हाउस और दोस्तों 3rd का लॉर्ड इन 6th हाउस, यानी कि जब भी दोस्तों 6th, 8th और 12th इनके हाउसेज आपस में स्थान इंटरचेंज करेंगे उसको विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो एक तरफ तो विपरीत राजयोग मिलेगा आपको, हो सकता है पैसा भी मिले आपको, कहीं से डूबा हुआ पैसा आ जाए, कोई बैड डेट से आपके एनपीएस से आपके वो कहने का रिकवर हो जाए, वो तो अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे 3rd आपका सेल्फ का लॉर्ड है, वो भी 8th हाउस 6th हाउस में आते हैं, आपके एनिमीज पे आपकी जीत निश्चित हो जाती है, यानी कि आपके एनिमीज आपके आगे ठहर नहीं पाते, और क्योंकि मंगल का इंपैक्ट भी यहाँ पे आ रहा है तो चीजें दोस्तों ज्यादा बेहतर हो जाती है। दोस्तों एक पार्ट तो अच्छा होगा कि आपके एनिमीज आपके डेट्स की बात करें उसमें आपको प्लस पॉइंट मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि मंगल के साथ यहाँ पे शनि 6th हाउस हो गया बीमारियों का, शुक्र भी यहाँ पे, तो शनि क्रॉनिक डिजीज का, मंगल सर्जरी का, उसको शुक्र आपकी इसका शुगर का या आपके यूरिन का, तो जिनको डायबिटीज है उनको यहाँ थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, या जिनको दोस्तों किडनी में दिक्कत है, जिनको दोस्तों पेट की लोअर पेट में दिक्कत रहती है, अगर हम गर्ल्स की बात करें, ओवरीज की बात करें, यूटरस के बाद उनके इश्यूज है, तो थोड़ी सी चीजें यहाँ पे खराब हो सकती है, ब्लड यहाँ पे लूज हो सकते हैं, या सर्जरी तक की भी नौबत आ सकती है अगर कुंडली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोअर बॉडी में, गर्ल्स के लिए हार्मोनल बैलेंस, और अगर हम मेन की बात करें किडनी के अंदर दिक्कत हो इस तरह की चीजें, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका ध्यान में रखें। बाकी ये वाला पर्टिकुलर चेंज कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बेनिफिट ही देखा जाएगा, क्योंकि 6th हाउस का मतलब ये मंगल यहाँ पे 6th हाउस का मंगल आपके सेल्फ हाउस पे भी इम्पैक्ट डालेगा, तो 3rd का लॉर्ड होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी ट्रेवलिंग कर जाएगा, आपकी छोटी मोटी ट्रेवलिंग होगी, बट ओवरऑल हम लोग देख के चले तो आपको हेल्थ वाला पार्ट इसमें ध्यान में देना है, जिसमें लोअर स्टमक और लेडीज के लिए बात करें, गर्ल्स के लिए बात करें, हार्मोनल इंबैलेंस का ज्यादा ध्यान में देना। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। 6 लग्नों की बातें हो गई, कैसा रहेगा इनके लिए मंगल का चेंज, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है, तो आप चाहे मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बाकी के 6 लग्न हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, और रेमेडी भी उसी में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर।